प्लान क्या? मुझे कैसे पता होगा? भाई तुम लीडर हो, ये सब बताना तुम्हारा काम है ना। अबे दिमाग मत चाट, जा किसी का बाबूराव चाट। अगर ये बीच बाबूराव से भरा होता और कोई बोलता जा तब तक बाबूराव चाट जब तक शांति न कायम हो, तो मैं कहता क्यों नहीं। Hey guys, welcome back to my new video. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं हॉलीवुड की 10 नहीं बल्कि 12 ग्रेट मूवीज को, जिन्हें आप YouTube पे इजीली वॉच कर सकते हो। और इन सभी मूवीज के लिंक्स आपको हमेशा की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वॉच करने को मिलेंगे। और ये सारी की सारी मूवीज हिंदी उर्दू में होने वाली हैं। इन मूवीज के अंदर आपको नेक्स्ट लेवल का साइंस फिक्शन एक्शन एडवेंचर भी देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है ताकि आपको पता चले कि कौन सी मूवी कितने नंबर पर ऐड की गई है। तो बेसिकली गाइज, मैं अपनी हर वीडियो के अंदर यही कहता हूँ कि इन मूवीज को YouTube पे अनऑफिशियली अपलोड किया जाए हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं होता कि ये मूवीज कब तक रहने वाली हैं YouTube पे। अगर बाय चांस ये मूवीज YouTube से रिमूव हो जाती हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड करके वॉच कर सकते हो फ्री में। और ऐसे ही बेहतरीन हॉलीवुड मूवीज वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ, ताकि आप कोई भी बेहतरीन मूवी टाइम टू टाइम वॉच कर सको। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। नंबर 12 पे एक बेहतरीन फैमिली कॉमेडी मूवी जिसका नाम है नाइट एट द म्यूजियम। ये मूवी आई थी 2006 में, जिसे IMDb ने 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो गाइस, ये एक बेहतरीन फैमिली कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कैसे बंदे की जिसका नाम होता है लैरी डेली। इस बेचारे के हालात बहुत ज्यादा खराब होते हैं और ये बंदा किसी जॉब की तलाश में इधर उधर घूम रहा होता है। बहुत सारी कोशिश करने के बाद इसे एक म्यूजियम के अंदर जॉब मिल जाती है, लेकिन ये बंदा नहीं जानता कि म्यूजियम के अंदर रात के वक्त सारी की सारी चीजें जिंदा हो जाती हैं, क्योंकि उस म्यूजियम के अंदर कोई ऐसी मैजिकल चीज होती है जो इन चीजों को रात के वक्त जिंदा कर देती है। तो अब लैरी का सामना इन चीजों से हो जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो आगे चल के इस मूवी के अंदर क्या कुछ होगा, ये तो आपको इस मूवी के अंदर ही वॉच करने को मिलेगा। एलेवन पे एक साइंस फिक्शन कॉमेडी मूवी जिसका नाम है अबाउट टाइम ट्रेवल। ये मूवी आई थी 2009 में, जिसे IMDb ने 7.1 की रेटिंग दी और साथ ही वोट मिले रोटेन टोमेटोज की तरफ से 38% के। तो इस फिल्म की कहानी बेस्ड है एक ऐसे इंसान के ऊपर जो कॉमेडी करता है, यानी कि लोगों को हंसाने का काम करता है। ये बंदा लोगों को हंसाने में नाकाम हो जाता है, इसलिए इसको जॉब से निकाल दिया जाता है। उसके बाद इस बंदे की एक लड़की से मुलाकात होती है जो टाइम ट्रेवल कर सकती है। तो बस यहीं से इस बंदे की किस्मत ही पलट जाती है। बाकी मूवी के अंदर आगे चल के क्या कुछ होने वाला है, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को 1 घंटा 23 मिनट देने पड़ेंगे। This is Cassie. She's my girlfriend. Have we had any of the? I don't know what you're talking about. Unless of course you mean sex. Yeah, we've done that last. नंबर 10 पे गेमिंग बेस्ड साइंस फिक्शन एक्शन मूवी जिसका नाम है टेकन। ये मूवी आई थी 2009 में, जिसे IMDb ने 4.8 की एवरेज रेटिंग दे रखी है। बाकी इस मूवी के अंदर आपको नेक्स्ट लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा, तो इस मूवी को मिस करना बिल्कुल भी नहीं बनता। तो कहानी बेस्ड है जिन के ऊपर, जिसकी माँ को गार्डियन ऑफ टेकन मार देता है। तो जिन अपनी माँ का रिवेंज लेने के लिए एक टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लेता है, ताकि वो उस बंदे को खत्म करे जिसने उसकी माँ को मारा था। बाकी मूवी के अंदर आपको फुल टेकन गेम जैसा माहौल देखने को मिलेगा, जो आप लोगों को जरूर वॉच करना चाहिए। Fighting for all of us. नंबर 9 पे एक बेहतरीन थ्रिलर मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है अननाउन। ये मूवी आई थी 2011 में, जिसे IMDb ने 6.8 की रेटिंग दी है। तो कहानी बेस्ड है मार्टिन के ऊपर, जिसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो कुछ टाइम के लिए कोमा में चला जाता है। और जब वो कोमा से बाहर आता है, तो उसकी बीवी उसे नहीं पहचान पाती। तो आखिर इसके पीछे मिस्ट्री क्या है और मार्टिन की आइडेंटिटी आखिर किसने छीन ली है, ये सब कुछ आपको इस पूरी मूवी के अंदर नेक्स्ट लेवल तरीके से दिखाया जाता है। मस्ट वॉचेबल मूवी है गाइस, जिसे मिस करना बिल्कुल भी नहीं बनता। There is no Martin Harris. He doesn't exist. I am Martin Harris. नंबर 8 पे एक साईफाई मूवी जिसका नाम है डीप इंपैक्ट। ये मूवी आई थी सन 1998 में, जिसे IMDb पर रेटिंग्स मिले हैं 6.2 आउट ऑफ 10 के। तो कहानी में दिखाया जाता है कि जल्द ही दुनिया खत्म होने वाली है, क्योंकि एक भविष्यवाणी के मुताबिक, या फिर कह सकते हैं कि पेशगवाई के मुताबिक, दुनिया के ऊपर एक बड़ा प्लेनेट गिरेगा जिसकी वजह से दुनिया का दी एंड हो जाएगा। लेकिन इन बातों का इंसान यकीन नहीं करते, वो कहते हैं कि ये सब कुछ अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन गाइज ऐसा हो जाता है। तो आगे चल के इस मूवी के अंदर क्या कुछ होने वाला है, ये आप जानेंगे इस बेहतरीन मूवी के अंदर। नंबर 7 पे एक मैजिकल फैंटेसी मूवी जिसका नाम है ब्रिज टू टेराबेथिया। ये मूवी आई थी 2007 में, जिसे IMDb ने 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है और साथ ही वोट मिले हैं रोटेन टोमेटोज की तरफ से 85% के। तो बेसिकली कहानी बेस्ड है लेजली और जेस के ऊपर, जो खेलते खेलते एक मैजिकल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पे इनका सामना कुछ खतरनाक मैजिकल चीजों से होने वाला है, जिन्हें देखना बेहद लाजवाब होगा।
नंबर 6 पे कॉमेडी क्राइम मूवी जिसका नाम है टावर हाइस्ट। ये मूवी आई थी 2011 में, जिसे IMDb ने 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो गाइस ये एक बेहतरीन कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ मेहनती लोगों की, यानी कि कुछ हार्ड वर्किंग लोगों की, जो अपना काम बहुत ही ज्यादा सीरियस तरीके से करते हैं। लेकिन इस फिल्म की कहानी उस वक्त पलट जाती है जब इनका बॉस इनका पैसा लूट के इन्हीं को चूना लगा देता है। उसके बाद ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि अपने बॉस को लूटेंगे और उसकी बैंड बजा देंगे। तो अब ये लोग इस मिशन में कामयाब हो पाते हैं कि नहीं, ये तो आपको इस मूवी के अंदर ही वॉच करने को मिलेगा। नंबर 5 पे री एवोल्यूशन। ये मूवी आई थी 2017 में, जिसे IMDb ने 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो गाइज ये एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है टॉनी नाम के बंदे की, जो अपनी पर्सनल लाइफ से तंग हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन गाइज फिल्म की कहानी उस वक्त पलट जाती है जब इस बंदे के हाथ कोई ऐसी चीज लगती है जिसे ऐसे लगने लगता है कि ये कुछ भी कर सकता है। तो आखिर अपनी लाइफ के अंदर क्या कुछ नहीं करता, ये तो आपको इस मूवी के अंदर ही वॉच करने को मिलेगा। नंबर 4 पे एक एडवेंचर ड्रामा के ऊपर बेस्ड मूवी जिसका नाम है लाइफ ऑफ पाई। ये मूवी आई थी 2012 में, जिसे IMDb ने 7.9 की रेटिंग दी है। तो गाइस ये एक बेहतरीन मास्टरपीस मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है पाई की। इसकी फैमिली के पास एक जू होता है जिसके अंदर हर तरह के जानवर अवेलेबल होते हैं, लेकिन किसी वजह से ये अपने जू के एनिमल्स को एक बड़े से शिप के अंदर भर के किसी दूसरी कंट्री लेके जा रहे होते हैं। लेकिन गाइस समुद्री तूफान आ जाने की वजह से इनका शिप डूब जाता है और उस शिप के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे मारे जाते हैं, सिवाय पाई को छोड़कर और एक अगर कुछ छोड़ के। तो इन दोनों का सामने एक ही बोट पे हो जाता है। तो अब इन दोनों में से कौन बच पाता है और कौन नहीं, ये तो आपको इस मूवी के अंदर ही वॉच करने को मिलेगा। नंबर 3 पे एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी जिसका नाम है इंडिपेंडेंस डे। ये मूवी आई थी सन 1996 में और इस फिल्म को IMDb ने 7.0 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो इस मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से अर्थ पे एक बड़ा सा UFO आके रुक जाता है और उसमें से छोटे छोटे प्लेन्स निकल के बाहर आते हैं जो इंसानों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो गाइज ये एलियंस है जो विदाउट एनी रीजन इंसानों के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब इंसान इन एलियंस को रोकने के लिए किस हद तक जाते हैं, ये तो आपको इस मूवी के अंदर ही वॉच करने को मिलेगा। नंबर 2 पे एक जंगल एडवेंचर मूवी जिसका नाम है जुरासिक पार्क 3। ये मूवी आई थी 2001 में, जिसे IMDb पर रेटिंग्स मिले 5.9 आउट ऑफ 10। जहां तक मेरा अंदाजा है आप लोगों ने इस मूवी को ऑलरेडी वॉच कर रखा होगा, और अगर गलती से इस मूवी को वॉच नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यार, ये फिल्म YouTube पे अवेलेबल हो चुकी है, जस्ट वॉच नाउ। तो चले अब इस मूवी की स्टोरी को थोड़ा कवर कर लेते हैं। इस कहानी में हमें दिखाया जाता है एक अमीर कपल जो अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने के लिए डॉक्टर एलन ग्रांट को हायर करते हैं जुरासिक पार्क के अंदर जाने के लिए। ये लोग वहां पे जाने के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन बाय मिस्टेक इनका प्लेन जंगल के बीचों बीच क्रैश हो जाता है। सो फाइनली गाइज नंबर 1 पे एक बेहतरीन एक्शन एडवेंचर मूवी द सुसाइड स्क्वाड। ये मूवी आई थी 2021 में, जिसे IMDb ने 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो मैं पहले ही बता दूं इस मूवी की स्टोरी में कवर नहीं करने वाला, क्योंकि ये फिल्म न्यू है और इसे बहुत सारे लोगों ने अभी तक नहीं वॉच किया। इस मूवी को देखने के लिए मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। कहानी के अंदर हमें दिखाया जाता है कुछ खतरनाक विलन्स जिन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि इन कैदियों को एक मिशन पे भेजा जा रहा होता है जो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और अब ये मिशन है क्या और इस मिशन के अंदर आगे चल के क्या कुछ होगा, ये आप जानेंगे इस बेहतरीन मूवी के अंदर। तो ये थी हमारी कुछ बेहतरीन हॉलीवुड मूवीज, उम्मीद है लिस्ट आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।